कम्युनिकेशन जो टावर होता है उसमें ये यूनिट यूज़ करता है, उसका वायरिंग डायग्राम, उसको बोलते हैं पीवी यूनिट, पैकेज वर्टिकल यूनिट, उसका वायरिंग डायग्राम। ओके, तो आज हम इस पर बात करेंगे। डीसी पैनल है उसका, अब ये यूनिट है, यूनिट बैक साइड हो जाएंगे। ये वो यूनिट है इसका, इसी को बोलते हैं पीवी यूनिट, पैकेज वर्टिकल। ये इसका नेम प्लेट है पीवी 048, 4 टन का। ये इसका कंट्रोल है, पीवी का कंट्रोल है। एक ब्लोअर के लिए कॉन्टैक्टर है और एक कंप्रेसर के लिए कॉन्टैक्टर, सिर्फ दो कॉन्टैक्टर है। फैन के लिए कोई कॉन्टैक्टर नहीं है। यही इसका सिर्फ टर्मिनल है, सिर्फ ये 8, 9, 10, 11, 12। तो 8 जो है वो आपका कॉमन है, 24 वोल्ट चाहिए। 8 नंबर जो है वो सी है, वो जो आर सी होता है 24 वोल्ट का कॉमन लाइन है। तो 9 में वो आर का पावर चाहिए, जो ट्रांसफार्मर से दो वायर होगा आर सी, सी का वायर 8 में लग जाएगा। और जो आर का जो वायर है, जो रिटर्न आएगा, ब्लोअर के लिए 9 है, कंप्रेसर के लिए 10 है, और 11 और 12 वो LPHP है। LPHP को सीरीज में रख के वहाँ पर वो कनेक्ट कर दें। तो सिर्फ इतना ही सा वायरिंग है इसका। हाँ, बहुत इसका भी बहुत इजी वायरिंग है, 3 फेस है। सिर्फ टोटल आपको 5 वायर का यहाँ ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ दोनों जंप किया हुआ है, सी के लिए कॉमन लाइन है, एक ही लाइन है, दोनों 8 है, 9 ब्लोअर है, 10 कंप्रेसर और 11, 12 LPHP उसके लिए।